सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलम भारती और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग S23 अल्ट्रा के बारे में। ये सेल फोन बिल्कुल S22 अल्ट्रा की तरह ही है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाली, जैसे कि प्रोसेसर, कैमरा एंड स्क्रीन क्वालिटी में। वैसे आपको ये सेल फोन मल्टीपल कलर्स में देखने के लिए मिल जाएगी और साथ ही इसके 3 अलग अलग बेस वेरियंट के ऊपर भी बात करेंगे। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको जरूर जान लेने चाहिए, क्योंकि सैमसंग कैमरा के नाम पर AI चिप का रहा है, जो कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ओवर इरिटेटेड है। और बाकी की सेल फोन कंपनीज भी कुछ ऐसा ही कर रही है। और साथ ही सैमसंग के S23 और S23 प्लस वर्जन के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको 45 वॉट का चार्जर और 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, जिसका मतलब है कि फुल चार्ज करने के बाद 1 से 2 दिन के आसपास चल जाएगी। और 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ 4.5 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग देखने को भी मिल जाएगी, जो कि ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा कम है। आपको बिल्कुल फ्लैट और शार्प एज देखने को मिलने वाली है और साथ में एल्युमिनियम कोटेड फ्रेम भी। ऊपर की ओर नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे की ओर सिम कार्ड, USB टाइप सी, माइक, स्टीरियो स्पीकर और सैमसंग S Pen देखने को मिलने वाली है। और अगर बात करें इसके वेट की तो आपको मोर देन 234 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाएगी। ग्लास कोटिंग मिलेगी, फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का सपोर्ट जरूर देखने को मिल जाएगा और ब्लूटूथ 3.5, NFC डुअल, 5G 4G और बहुत कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाने वाले हैं। तो बात करें इसके डिस्प्ले क्वालिटी की तो आपको 6.8 इंच की डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले विद फुल HD प्लस डॉल्बी विजन और HDR 10 प्लस के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले एक्सपीरियंस करने का मौका जरूर मिलेगा और साथ में 1200 नीट्स तक की ब्राइटनेस रेटिंग होने वाली है। साथ ही टच सैम्पलिंग रेट की बात करूं तो 1700 नीट्स अक्रॉस मिलती है। बात करें 3.5 mm जैक की तो अब वो मैक्सिमम सेल फोन में देखने को नहीं मिलने वाली। अगर बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो 4 nm बेस्ड चिपसेट है और यही इसे एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल फोन बनाता है। इसके पिछले सीरीज में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट फीचर्ड किया गया था, लेकिन अब S23 सीरीज में 8 Gen 2 का। और बात करें इसके 5G बैंड की तो आपको नेशनली और इंटरनेशनली यूज होने वाले सारे 5G बैंड देखने के लिए मिलने वाले हैं। IP रेटिंग की बात करें तो 6.8 की रेटिंग देखने को मिलने वाली है। अंततः स्कोर 1.2 मिलियन प्लस एक्सपीरियंस हो जाती है। Wi-Fi कनेक्शन की बात करूँ तो Wi-Fi 6E तक की कनेक्टिंग पावर देखने के लिए मिलने वाली है और साथ ही में Android 13 भी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके सबसे मेन चीज कैमरा क्वालिटी के बारे में। तो प्राइमरी कैमरा 200 MP की मेन वाइड एंगल कैमरा मिल जाती है, जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। सेकेंडरी कैमरा 12 MP की अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के साथ में 10 MP की पेरियोस्कोप टेलीफोटो कैमरा, जो 10x ऑप्टिकल जूम कैमरा है, और साथ ही 10 MP की टेलीफोटो कैमरा जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम पावर देखने को मिल जाती है। बात करें फ्रंट कैमरा की तो 12 MP की ऑटो HDR और HDR 10 प्लस कैमरा हो जाती है। इसके बैक कैमरा से आप 8K और 4K रेजोल्यूशन की वीडियो शूट कर सकते हो और साथ में इसके फ्रंट कैमरा से 4K रेजोल्यूशन की वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। मुझे इस सेल फोन के सबसे खास बात क्या लगती है आपको बताऊं तो वो इसकी पनोरमा फीचर। ये मैक्सिमम सेल फोन में देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस सेल फोन में जरूर मिल जाएगी। अगर इसके बेस वेरिएंट की बात करूं तो 12GB रैम सभी में कॉमन देखने को मिल जाएगी और इंटरनल स्टोरेज 256GB से 1TB तक की देखने को मिल जाएगी, लेकिन आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से ही लेना। तो फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस रेट के बारे में। तो आपको 1,24,000 से 1,55,000 के अंडर इजीली देखने के लिए मिल जाएगी। अब फटाफट बात कर लेते हैं इसके S23 और S23 प्लस सीरीज के बारे में। तो आपको कैमरा में थोड़ा सा चेंजेस देखने को जरूर मिलेगा, बाकी सब सेम है। मेन कैमरा 50 MP की वाइड एंगल कैमरा और सेकेंडरी कैमरा 10 MP की टेलीफोटो कैमरा के साथ 12 MP की अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलती है और वेट 168 ग्राम की हो जाती है और फ्रंट कैमरा 12 MP की। ये आपको सैमसंग S23 में देखने को मिलेगी। बात करें S23 प्लस की तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और सारे कैमरा बिल्कुल S23 की तरह ही मिलती है, बस वेट आपको 196 ग्राम के आसपास देखने के लिए मिल जाती है। एक और चीज जो इसे और ज्यादा प्रीमियम लेवल का सेल फोन बनाता है वो है USF 4.0, जो गेम प्ले करने पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और ये फीचर सभी में कॉमन देखने को मिलने वाली है। इनकी प्राइस रेट सैमसंग S23 अल्ट्रा से कहीं ज्यादा कम में मिलती है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।